जांजगीर चांपा जिला से बड़ी खबर है, जहां माल खरौदा क्षेत्र के बड़े सिपत गांव से लापता हुए 2.5 साल के बच्चे का शव आज कुएं में देखा गया है। जांजगीर चांपा जिला से बड़ी खबर, जहां 5 दिन पहले गुम हुए बच्चे का शव उसके घर से कुछ दूरी पर कुएं में मिला है। आपको बता दें, बच्चे की पता बताने वाले को पुलिस और सरपंच की ओर से 15,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। वहीं यह जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस कुएं से बच्चे का शव मिला है उस कुएं की तलाशी पहले भी हो चुकी है। अब बच्चे के शव मिलने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। बच्चे के शव में सड़न होना शुरू हुआ है, इसे साफ जाहिर हो रहा है 2-3 दिन पहले ही बच्चे की हत्या हुई है, जबकि बच्चा 6 दिन से लापता था। अब पुलिस इस मामले में अपहरण के बाद हत्या के एंगल से जांच करना शुरू कर दिया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।